एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आप देख सकते हो हमारा बाइक पार्क है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:17 बजे, देख सकते हो आप 8:17। सो अभी हमारा प्लान है, मुझे पहले, अभी मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा, जल्दी जल्दी मुझे, वैसे तो हमारा मीटअप पॉइंट जो रखा है आज ढली पे रखा है, विकास भैया, मैं और पता नहीं कौन कौन आएंगे। तो पहले तो मुझे शान भैया के पास जाना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। और मुझे जाना है शान भैया के पास पहले ओल्ड बस स्टैंड, क्योंकि उनकी बाइक पार्क है चौड़ा मैदान में, और वहाँ से उनकी बाइक लानी है। और उसके बाद जल्दी से जल्दी 9 बजे हमें वैसे ढली बुलाया था, बट 8:17 यहीं पे हो गए। मैं पहुँच चुका हूँ बस स्टैंड गाइस, देख सकते हो आप यहाँ से, ये मतलब लिफ्ट के पास का एरिया, ये ऊपर मॉल रोड आ गया, बस इसके पीछे मॉल रोड है, यहाँ तक है वो मॉल रोड। और शान भाई बस आते ही होंगे, कैसे हो शान भैया? मेरा वजह शायद विकास भैया का फ़ोन है, गारंटेड। नहीं नहीं मम्मा का, माते बाद में बात की जाएगी आपसे। चौड़ा मैदान में कहाँ रखी आपने बाइक? अरे यार दोस्त अच्छा आपने रात को ही रखी कल? और बताओ कैसे हो आप? कैसी है रैली की तैयारियाँ? हम पहुंच चुके हैं गाइस शान भैया की बाइक के पास, ही इनकी न्यू बाइक है इम्पल्स। और ड्यूक कहाँ गई? ड्यूक बाइक चला रहा है चंडीगढ़ में, अगले हफ्ते ले आऊँगा जाके दोबारा, फिर चेंज कर देंगे। अब तो खुद चला रहेगा ऊपर नीचे। तो चलते अब गाइस, हम थोड़ा लेट हो चुके हैं और हमने ढली में भी वेट कर रहे हैं विकास भैया वगैरह, तो निकलते हम जाएंगे कहाँ? ओके टॉलेंट, ओके अरे इधर से रश होता है, बहुत जाम होता है। अब नहीं होगा रहा जाम, चलो फिर अभी तो रुक जाओ, स्ट्रगल है भी काट देना इसके। क्यों लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा? मैं और शान भैया 9 बजे बुलाया था ढली में विकास भैया ने, और 9 तो आई गेस बज चुके हैं। सो जल्दी जल्दी हमें संजौली से आके जो ढली टनल है वहाँ पहुँचना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। हम पहुँच चुके हैं ढली टनल और देख सकते हो 1, 2, 3, 4 एक्सपल्स, एक इम्पल्स और एक मेरी ड्यूक। तो ये उनको हमने थोड़ा बहुत वेट कराया, सब चलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा वार्म अप होते हैं, राइड करते हैं, मौसम भी अच्छा है। अरे यार भाई मिल गया ना। हाँ जी भाई, क्या हाल है? बढ़िया भैया, बढ़िया है एकदम बढ़िया। आप बताओ, हाँ देखो नाइकी का साइन बना हुआ है हाथ में, ब्रांड एम्बेसडर बन गया नाइकी का। सब भी बनता है ये देख यहाँ यहाँ। हेलो बाइकर्स, हेलो, मेरे टांगे देख रहे हो क्या? वहाँ पर मेरे पास प्रॉपर गियर्स नहीं है फिलहाल, अभी ग्लव्स भी नहीं है, सब कुछ मैंने ऑर्डर कराया है, बस एक या दो दिन में आ जाएगा। तो उसके बाद तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मतलब बाइक के ऊपर। तो अभी भी आज भी मैं भगा रहा हूँ विदाउट गियर, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं भगाऊंगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करूँगा। राइडर्स सारे पेट्रोल भर रहे हैं, मेरी, मैंने तो भरवा दिया था पहले ही पेट्रोल। सो गाइस बस एक दो दिन का वेट है, उसके बाद मेरे गियर्स भी आने वाले हैं, उसके बाद तो टेंशन फ्री जाएंगे हम। तो भी है इनमें, इनको मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, तो लेट्स सी कैसी रहेगी आज की राइड। मौसम भी आज गाइस ऑसम है, कुछ ज़्यादा ही ऑसम है।
यहाँ पे ना वैसे भी बहुत ठंड होती है गाइस, हर कुछ ही ठंडी सी लाती है। एक कुफरी से बैल जो है यहाँ जंगल जंगल है, यहाँ धूप कम शम पड़ती है तो तभी ज़्यादा ठंड रहती है, और आज वैसे ही मौसम वैसे ही अच्छा हुआ है कुछ। ऑफ रोड ट्रैक हमारा ऑन है, लेट्स गो। चलो थोड़ी अब प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा धमाल में जाएगा। गाइस ऑफ रोडिंग में तो मज़ा आ रहा है, मैं शायद ज़्यादा ही आगे निकल गया हूँ। गाइस मुझे लग रहा है मुझे थोड़ी देर उनका वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं आया अभी तक, तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। यहाँ पे आ चुके हैं सारे, तो मैं इनको आगे जाने देता हूँ। पहले इन सबको आगे जाने देता हूँ, फिर मैं लास्ट में निकलता हूँ, लास्ट में कोशिश करता हूँ। तो इनको आगे जाने देते पहले। थोड़ी देर वेट करते क्योंकि ये सब थोड़े मतलब मैच्योर राइडर्स है, थोड़ा आराम से चलाते हैं, और मुझे तो मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ मैं तो, सो तभी मैं थोड़ा तेज़ चलाऊँ। सो चले गए हैं वो काफ़ी आगे, सो चलते हैं, ऐसा ना हो लास्ट में मैं ठुक जाऊँ, कोई देखने वाला भी ना हो। हो सकता है, लेट्स गो।
भी रहे हैं उनके पीछे कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा। सभी आ रहे हैं तो गाइस बैटरी बहुत कम बच गई है। आई गेस गाइस यही रोड है और मेरे गोप्रो में बहुत कम बैटरी बची है। करते थोड़ा देख सकते हो आप सारी एक्सपर्ट्स बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक एक्सपर्ट्स।